एक कोयल कह रही है, कबीरदास जी कोयल से कहला रहे हैं, कोयलिया बोली रे अम्बा की, अम्बा मतलब आम की डाल पर बैठ के कह रही है, कोयलिया बोली रे अम्बा की डाल अपनों को नहीं आ रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आ रे, कोयलिया बोली रे अम्बा की डाल अपनों को नहीं आ रे, कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा रे भैया, बहन कहे भाई मेरा, भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा अपनों को नहीं आ रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आ रे, पत्नी कहती है पति जब तक सांसें हैं तब सब तक, जब तक सांसें हैं तब तक सब रिश्ते हैं, सांस टूटते ही रिश्ते टूट जाते हैं, हाँ जी पति जिंदा है तो पत्नी ने अपना कह दिया, अच्छा पति मर जाए और उस मरे हुए अकेले पति के संग पत्नी से कहा जाए तुम रात भर इसके पास बैठना, तो पत्नी अपने मुर्दा पति के संग रात भर बैठेगी ना तो डरेगी, जिसके संग कल तक बड़े प्यार से रहती थी अब उसके संग डर रही है रात रहने से, सच्चाई यही है कोई तुम्हारा था ही नहीं, जबरदस्ती कहते गए जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती के मेहमान, मैं तुम्हारा मेहमान, मुझे जानो मुझे पहचानो, क्यों जाने भगवान को जानो पहचानो कल्याण होगा, जिंदा थे तो हजार रिश्ते, मरे तो रोने लगे लोग, 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई रे भैया, 6 महीना सगो भाई, 13 दिन तक पत्नी रोती है 13 दिन तक, और पति से पूछो कि पत्नी के मरने पर तुम कितना रोओगे, बहुत सारे पति ऐसे हैं पत्नी के चिता की आग ठंडी नहीं होती और दूसरे विवाह की चर्चा चलने लग जाती है, हाँ जी कहते थे बड़ा प्यार करते हैं तुम मरो तो सही वो किसी और से प्यार कर लेंगे, 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई रे भैया, 6 महीना सगो भाई, जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे, कर गए आस पराई अपनों को नहीं आ रे, बिना राम रघुनंदन
तभी गांव के लोग रिश्तेदार इकट्ठे हो गए और कबीर जी कह रहे हैं, 550 बराती आ गए, ले चल होए रे भैया, ले चल होए। जब आदमी मरता है ना, जब हम और तुम मरेंगे ना, तो ये दुनिया के लोग आएंगे और इन्हें तो उस दिन भी जल्दी रहेगी जिस दिन तुम मरोगे। भाई जल्दी ले चलो, भाई साहब जल्दी ले चलो। हाँ, ये चाहते हैं कब ये जाए, कब इसमें आग लगे, कब हम खाएं, भूख लगी है। चार कबीर जी कह रहे हैं, 550 बराती आ गए, ले चल होए रे भैया, ले चल होए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जागत सब की होई अपनो हो नैया रे, लाकड़ी। जब हमें ले जाया जाएगा तो चिता पे रखा जाएगा, शरीर जलेगा कैसे जलेगा, हाड़ जले जस लाकड़ी, कैसे जले जस घास रे भैया, कैसे जले जस घास। हमारी हड्डी लकड़ी की तरह जलेगी और बाल घास की तरह, हाड़ जले जस लाकड़ी, कैसे जले जस घास रे भैया, कैसे जले जस घास। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई, ओ नया यो पासा अपनो को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपनो को नैया रे। तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, तो अब हम जल रहे हैं, आओ हमारे साथ जलो, कोई नहीं आ रहा। और कहते थे तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, इसका मतलब यही है, लोग कहते हैं तुम्हारे बिना जी नहीं लगता, दिल नहीं लगता। आजी ये सारी बातें झूठी हैं, सबका सबके बिना जी भी लग जाता है और दिल भी लग ही जाता है। केवल तुम्हें पागल बनाया गया ये कह के कि तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा, तो आपको भी लगने लगा सही कह रहा, हमारे बाद इसका क्या होगा। आप लोग सारी जिंदगी गलत फहमी में गुजारते हैं, आपको यही लगता है मेरे बाद मेरे पति का क्या होगा, मेरे बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। तो सुन लो, सब लोग अपना अपना भाग्य लेकर पैदा होते हैं, किसी के भाग्य विधाता ना तुम हो ना हम हैं, सबके भाग्य विधाता ईश्वर है। इसलिए आनंद से रहो और मौत आए तो आनंद से मरो, भगवान के घर जाना है, अच्छे कर्म कर लो। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा रे भैया, कहता था घर मेरा, तेरा है ना मेरा है यह, तेरा है ना मेरा है यह, है चिड़ियों का बसेरा अपनों अपनों।
अलिया बोली रे अमवा की डाल अपनो को नहीं आ रे बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आ रे। हमारा तो देखो राम के सिवा कोई नहीं है। अब आप लोगों के कौन कौन है वो आप लोग जानो।